नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रिव्यूअर्स। आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि आज हम लेने जा रहे हैं अपनी XUV700। बहुत दिन वेट किया, बीच बीच में अलग अलग कारें भी बुक करी, क्रेटा भी बुक करी, सेल्टोस भी बुक करी, बट फाइनली वी आर गेटिंग आर कार XUV700। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं अपडेट्स डालता रहूँगा XUV के कस्टमर ओनरशिप के रिव्यू, जो एक्चुअल में कस्टमर फील करता है, जो भी गाड़ी में कमी है अच्छी है वो सब। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हाँ, कहाँ जा रहे हैं? महिंद्रा के पोर्टल में अभी भी डिलीवरी टाइम अप्रैल दिखा रहा है, बट आज मुझको डिलीवरी मिल रही है दिसंबर में ही, और ये सब बस लास्ट 10 डेज में प्रोसेस हुआ है। सडनली डीलर ने फ़ोन किया और बोला कार आ गई है और सब कुछ प्रोसेस हो गया। तो दोस्तों, अगर आप भी XUV का वेट कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं जो ऑनलाइन टाइम दिखा रहा है उस हिसाब से आपको मिले, पहले भी मिल सकती है। और अब हम आ गए महिंद्रा के शोरूम में, चलो अंदर चलते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं आने वाले टाइम पे कई वीडियो डालने वाला हूँ XUV पे, जो भी इसकी कमियाँ हैं या खूबियाँ हैं। अभी तक एक ही कमी लग रही है मुझको, ये बोल रहे हैं कि एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले अभी नहीं चलेगा, फर्स्ट सर्विस के बाद चलेगा। वो एक अच्छी चीज़ नहीं लगी है मुझको। सोनिया, हाउ आर यू फीलिंग टुडे? अच्छा लग रहा है, फाइनली कोई तो कार ले रहे हैं आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ स्ट्रगल। फीलिंग वेरी नाइस जी। आपको जी, आपको कैसा लगा जी? को आपको बता दो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, बहुत मस्त। यहाँ बहुत मस्त रहता है, पर यहाँ तीनों का से एक बार बाइक काले, एक बार एक ही काले, और अंदर तीन का से। तो गणपति जी ने अपना स्थान ले लिया है कार में। ओके सर, इफ यू डोंट वांट ऑफ इट यू कैन सी, यू कैन एडजस्ट। ओके सर, अरे वीडियो में देखा होगा दोस्तों, एक बार फिर से देखिए फ्रंट गाड़ी का। वाइट कलर में XUV मुझको तो बेस्ट लगती है, आपको कैसे लग रही है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर दोस्तों डिलीवरी आपकी शेड्यूल है तो मैं बोलूँगा आप एक बार प्री इंस्पेक्शन ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैंने भी कई कई चीज़ें देखी थी गाड़ी में, कई जगह पे ब्लैक ब्लैक हो रखा था, वो सब क्लीन करने के बोला। बाकी ऐसा कोई स्क्रैच और ये सब भी मैंने ट्राई किया, बट अच्छा लकीली कुछ भी नहीं था गाड़ी में ऐसा कुछ। बट प्री इंस्पेक्शन करना ज़रूरी है, आप भी डिलीवरी लेने से पहले एक बार प्री इंस्पेक्ट ज़रूर करें व्हीकल को। गणपति बप्पा, गणपति बप्पा मोरिया।
अब हम घर आ गए दोस्तों, शाम को एक मंदिर जरूर ले जाएंगे। एक्सरसाइज मैंने चार ही लगाई थी, एक तो 70 मैट, एक मड वाइजर, एक रेन वाइजर जो डोर पे लगता है विद क्रोम, एंड लास्ट नेक प्लो जो अराउंड मेरे को 17,000 का पड़ा था। अगर आपको और इंटरेस्ट है इसमें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देखें, मैंने सबको शेयर किया है कि कितने की क्या एक्सरसाइज पड़ती है। इशू की बात करें तो दोस्तों अभी तक मुझको एक इशू तो उसके डोर हैंडल में लग रहा है, को पैसेंजर साइड वाला डोर अपने आप बंद नहीं हो रहा है, उसको हल्का सा मैनुअल पुश लग रहा है बंद करने के लिए। उसके लिए मैं अभी डीलर से बात करूँगा। एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले वर्क नहीं कर रहा है, ये मैंने इनिशियली बोला, बाकी ऐसा कोई इशू अभी तक मेरे को बड़ा दिखा नहीं। और एक और चीज़ है, एड्रेनॉक्स में भी कई फीचर्स है जो इनेबल नहीं है, जैसे गाड़ी को मैं रिमोटली स्टार्ट कर पाऊँ, एसी ऑन, ये सब अभी इनेबल नहीं है। वो सब के लिए भी डीलर ने बोला वेट करने को। ये दो तीन छोटे छोटे इशूज है, बाकी मस्त एकदम कोई बढ़िया लग रहा है सब कुछ कार लेके। अगर वीडियो को अभी तक आपने देखा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं आने वाले टाइम में और वीडियोस पोस्ट करता रहूँगा। थैंक यू।